क्वेश्चन नंबर 14 ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 3 -2 सो दैट ए नॉट इक्वल टू 1/19 इनटू मैट्रिक्स ए ठीक है इधर ऐसा इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट को निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालना पड़ेगा है ना तो चलिए डिटरमिनेंट निकाल लीजिए तो डिटरमिनेंट आपके क्या हो जाएगा मैट्रिक्स से हटा करके डिटरमिनेंट से लगा देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से हटा करके डिटरमिनेंट लगा दीजिए तो डिटरमिनेंट हो जाएगा और डिटरमिनेंट आप सेकंड ऑर्डर ओपन कर दीजिए तो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ सब डायगनल एलिमेंट क्या हो जाएगा -4 -19 -4 -15 तो देखा आपका -19 आपको इन्वर्ट ऑफ ए क्या होता है मतलब सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इन्वर्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हां डायगनल एलिमेंट को डिटरमिनेंट चेंज कर देते हैं है ना डायगनल एलिमेंट को डिटरमिनेंट चेंज कर देते हैं ठीक है और सब डायगनल एलिमेंट के साइन बदल देंगे सब डायगनल एलिमेंट के क्या करेंगे साइन बदल देंगे साइन बदल देंगे ऑटोमेटिक नेगेटिव एडजॉइंट हो जाते हैं तो ए इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट है ना 1/ डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ए में मुझे ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/ डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ है ना तो देखा ए इनवर्स इक्वल टू 1/ -19 एडजॉइंट ऑफ ए कितना है एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना है -2 है -3 -5 है ना तो इसको माइनस वन डिप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा 2 3 5 -1 क्या हो जाएगा तो 1/19 हो जाएगा 1/19 ये आपको ये माइनस वन बाइस मिल गया 19 आपका एडिट इसको अब सेकंड पार्ट के क्वेश्चन नंबर 15 कॉपी करिए